रेहांश को लगी चोट, आराधना हुई परेशान। वेल, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरह से आराधना और रेहांश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, वैसे में तो देख के यही उम्मीद लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द इन दोनों के बीच एक बार फिर प्यार की फुलझड़ियां खिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल बरसाते के आने वाले ट्रैक में क्या कुछ नया धमाल मचने वाला है। हालांकि इन दिनों इस सीरियल में हम सभी एक के बाद एक ट्विस्ट हम सभी को देखने को मिल रहा है, लेकिन इस सीरियल का जो आने वाला ट्रैक है वो और भी चटपटा और मसालेदार होने वाला है। वेल, हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे किम्मी आराधना के खिलाफ प्लान बना रही है और उसे फंसाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हम सभी ने देखा था कि कैसे जय आराधना को लेके गलत फहमी पाल रहा है और उसे लग रहा है कि आराधना उससे प्यार करती है, जबकि हम सभी को पता ही है कि आराधना और रेहांश एक दूसरे से ही सिर्फ प्यार करते हैं, वो कभी किसी दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। वहीं हम सभी ने ये भी देखा था कि कैसे रेहांश के पास उसके पापा का कॉल आता है और उसके पापा उसकी शादी की बात करते हैं, जिसके बाद रेहांश अपने पापा से इस बात का वो क्लियर करता है कि आखिरकार मालिनी जी से आपको आराधना को लेके ही बात हुई है ना, मुझे अपनी लाइफ में अब कोई गलत फहमी नहीं चाहिए, जिसके बाद उसके पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं और फिर उसे एक बार और प्यार करने की बात करते हैं। वहीं इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है और प्रोमो में देखा जा रहा है कि कैसे किम्मी के घर जय और उसके पापा दोनों आते हैं, जिसके वजह से सभी लोग इधर बेहद खुश हो जाते हैं और फिर वीरेन खन्ना और जय के पापा के बीच काफी बातचीत होती है और वो एक दूसरे के समझी बोलते नजर आते हैं। वहीं इस बात से किम्मी परेशान हो जाती है, कहीं जय इन सबके बीच आराधना का नाम ना ले ले, उसे ये डर रहता है, जिसके वजह से वो जय को लेके अपने रूम में चली जाती है। वहीं जय वहां जाने के बाद से आराधना के बारे में पूछता है, जिसके बाद किम्मी बात को इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हम सभी को देखने को मिलेगा कि कैसे रेहांश और जय दोनों बेकरी कर रहे होते हैं, केक बना रहे होते हैं और उस दौरान रेहांश को करंट लग जाता है, जिसके बाद आराधना बेहद परेशान हो जाती है, उसके जख्मों पे मरहम लगाते नजर आती है। वहीं उसके बाद रेहांश उससे काफी बातें करता है, जिसकी वजह से आराधना थोड़ी परेशान हो जाती है। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रेहांश और आराधना बहुत जल्द एक बार फिर से करीब आने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से वो एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, वैसे में तो देख के यही लग रहा है कि फाइनली अब फिर से वो एक बार फिर एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही अपनी फेवरेट सीरियल के अपडेट जानने के लिए देखते रहें फिल्म बिट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो वहां भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।